बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग सी, बिल्डिंग हमारा एसेट 75,000, उस पे 5% डेप्रिसिएशन। तो अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, 75,000 इंटू 5/100। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे से कटिंग करके, देन द आंसर विल कम 3,750। लेस करोगे इसमें से तो 71,250 आंसर आएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू दैट एवरी डेप्रिसिएशन हैज टू इफेक्ट्स। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन लिखते हो तो उसके दो इफेक्ट आएंगे। कौन से दो इफेक्ट आएंगे? एक तो बैलेंस शीट में आएगा और दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया 3,750 वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो है हम लोग का एसेट है, कैश कुछ हमारे पास पड़ा है, तो दैट कैश एट बैंक इज द एसेट। तो हम लोग एसेट कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कैश एट बैंक। सी, कैश एट बैंक डायरेक्टली 12,000 हम लोग ने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपको यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दी गई हुई है, ध्यान से देखना। ओके, इन्वेस्टमेंट हम लोग ने कुछ की 20,000। ठीक है, अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 10% क्या मिल रहा है हम लोग को? रिटर्न मिल रहा है, मतलब इनकम आ रहा है 10% उस पे। ठीक है, अगर इनकम आ रहा है, ठीक है, पहले तो हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट है, हम लोग एसेट कहाँ पे लिखते हैं? हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जब एसेट लिख रहे हैं 20,000, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। तो 20,000 का 10% इज वॉट? 2,000। तो इसमें प्लस करेंगे 2,000, 22,000 प्लस। ये हमारी इनकम है, मैंने आपको बोला जब हम लोग की इनकम होती है कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ऑल्सो। तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड भी लिखेंगे कि इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट 2,000। ओके, समझा इतना? यस, राइट इट इन द चैट। सी, इन्वेस्टमेंट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। इन्वेस्टमेंट में हम लोग को क्या दिया था? 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। ठीक है, हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, सो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 20,000। ठीक है, जब हम लोग 20,000 लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग 10% और ऐड करेंगे हम लोग को जो उसमें इनकम आएगा। ठीक है, 20,000 पे 10% इनकम इज 2,000। ठीक है, तो जब हम लोग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं ना तो उसमें हम लोग ये 2,000 ऐड करेंगे। ठीक है, सी, इन्वेस्टमेंट 20,000 प्लस हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे कुछ 2,000। कैसे पता चला 2,000? 20,000 इंटू 10/100, तो आंसर आएगा 2,000। फिर दोनों को ऐड करेंगे, दिस 22,000 विल बी कम इन द आउटर साइड। अब एज आई हैव सेड दैट एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, एक तो हम लोग ने लिख दिया बैलेंस शीट में, दूसरा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों क्रेडिट साइड लिखेंगे? बिकॉज हम लोग को इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट पे, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था पैसा उस पे इनकम आ रही है, सो दैट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हमारा क्या है? इनकम है, तो हम लोग इसमें क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। समझा? यस, व्हाट हैपेंस इन द, यस, सबको समझा इतना? एडजस्टमेंट्स यू हैव टू डबल चेक कि आप लोग ने सब एडजस्टमेंट्स लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, एनीवन हैज